तो दहेज में उनको 300 दासियां मिली उनकी बेगम के साथ में। तो उन सारी औरतों को इन कमरों में रखा जाता था जिनकी हाइट, ये देखिए सर, इन कमरों की हाइट दरवाजों की छोटी रखी गई है कि कोई भी लेडीज अंदर जाए या बाहर जाए तो सर झुका के जाए। अच्छा, ये झुका के जाए। और ये होल बने हुए हैं, पहले पर्दे होते थे उनको टांगने के लिए रिंग का इस्तेमाल करते थे, और ये लोटस फ्लावर्स बनाए गए हिंदू धर्म के अंदर में यूज किए जाने वाले। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा। और ये सारे के सारे कमरे बने हुए हैं जी दासियों के लिए। अच्छा, दासियों के लिए है सारे के सारे। ये ऊपर का होल क्यों फिर? ये हवा के लिए, वेंटिलेशन है। इससे भी खूबसूरत मैजिक मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। अच्छा जी, जी बहुत अच्छा जी। अच्छा, ये अभी हम कहां चुके हैं इसमें? ये जहांगीरी महल में घूम रहे हैं सर अभी। अच्छा, जहांगीरी महल। हाँ, ग्रेट आर्किटेक्चर। तो ये एक ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा जी, जी हाँ। लेकिन ये एक्चुअली में इज लाइक अ हार्वेस्टिंग सिस्टम के तौर पे देखा जाता है, लेकिन ये फ्लोर से कनेक्ट नहीं है। अच्छा जी, ये छत से कनेक्ट है ये चैनल के द्वारा। अच्छा, छत का पानी आएगा यहाँ से? हाँ जी हाँ, जब छत पे पानी आता था ना तो इस चैनल से सारा पानी इस टैंक में। अच्छा, और वहाँ पर होल बना हुआ है। हाँ, ये होल है बिल्कुल। ये होल से सारा पानी रिवर में डाल दिया करते थे, नदी में जाता था। हाँ, और दूसरे नंबर, दो तीन दिन जब कभी लगातार बारिश होती थी ना जी, तो इसको थोड़ा उठा के बनाया गया है। अच्छा, रैंप है, सब ढलान बनी हुई है चारों तरफ। ओवरफ्लो पानी को इन रैंप से, इन छोटी छोटी जालियों से दोबारा रिवर में डाल सकें। अच्छा, फिर रिवर में डाल। महलों में ना घुसे, ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए इस डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। बहुत खूब। और ताजमहल सामने दिखाई देगा, जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे विंडो के पीछे, रिवर के संग में ताजमहल का खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। यहाँ से ताजमहल दिखाई देगा साफ साफ बिल्कुल। ये देखो जी, नदी के पास में वो ताजमहल दिख रहा है। ग्रेट। अच्छा जी, तो ये घूमने फिरने के लिए जगह है? ये वेंटिलेशन एरिया है सर। गर्मी के अंदर में क्या होता था कि जब किले की दीवार, ये एक्चुअली में जमुना जो अभी यहाँ से दूर है, पहले किले की दीवार के पास हुआ करती थी, तो यहाँ से खाई दिखाई देगी। ये जमुना खाई है मगरमच्छ वाली, तो ये पूरी फुल हुआ करती थी। अच्छा, तो होता क्या था कि खाना खाने के बाद में बादशाहत उनकी फैमिलीज या ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए यहाँ पर वॉक किया करते थे, घूमे करते थे। इनके लिए बनाया गया था सर, अंदर अलाउड नहीं है। कोई नहीं। तो कितना हाइट है इसका सर? भारा जी, सर 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 भारा जी। अच्छा, एक फोटो लेनी थी अंदर। अच्छा, नहीं, सुसाइड कर लेते ना लोग। अच्छा अच्छा, और ये सारे के कितना सारे हाइट? कितना? 300 फीट के आसपास। हाँ, 300 फीट के आसपास में। 300 फीट हाइट। ये सामने देखिए आप, ये जो लोटस फ्लावर्स बने हुए हैं। अच्छा, सनफ्लावर के संग में सारे मंदिरों के हिंदू के डिजाइन बने हुए हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे। अब दिखाऊंगा आपको एयर कंडीशन रूम और मैजिक विंडो। अच्छा जी, ग्रेट। ये बना हुआ है वेंटिलेशन रूम, जिसको हम हवा महल के नाम से जानते हैं। हवा महल कहेंगे इसको। हाँ, इसको हम हवा महल बन कहेंगे, लेकिन बंद कर दिया है सरकार ने इसको, क्योंकि लोग यहाँ दीवारों में नाम लिखते हैं। हाँ। इसके लिए इसको बंद कर दिया। एक्चुअली में ये हुआ करता था गर्मियों के लिए, क्योंकि जब जमुना किले की दीवार के पास होती थी ना। अच्छा, तो ठंडी ठंडी हवा आए, इसके लिए इसको बनाया गया था, तीन साइड खिड़कियों के दरवाजों के साथ में। अच्छा, रूम को ठंडा करने के लिए। तो शाम को सनसेट के बाद में रॉयल लेडीज यहाँ पर आकर बैठा करते थे और आराम फरमाया करते थे। अच्छा, और जितने भी जो कमरे बने हुए हैं ये सब विंटर सीजन के लिए है। विंटर सीजन में ये जो दीवार है इनमें हॉलो रखा गया है। अच्छा, ये सब के सब खोखली दीवारें हैं। तो क्या होता है, हट जाती है? नहीं, इनकी बिल्डिंगों के तीन कमरे हैं यहाँ पर, जिसमें एक हम खड़े हुए हैं, एक ये और एक सामने वाला। अच्छा, तीन कमरों की छत को एक रखा गया है, जिसके ऊपर में एक वाटर टैंक बनाया गया है। उस टैंक में पानी को गर्म किया जाता था सर्दी में। अच्छा जी, और फिर इन खाली दीवारों में पानी को भर दिया जाता था। अच्छा, दीवारें खाली है? हाँ, ये वाली सर, वो रिपेयर कर दी गई, तोड़ दी थी। ये देखिए आप, तो ऊपर से पानी को छोड़कर गर्म पानी दीवारों में भरकर रूम को आइसोलेट करते थे, गर्म किया करते थे। हीरे का डिजाइन बना हुआ छत के अंदर में, जिसमें कांच के टुकड़े होते थे। अच्छा, और बीच के अंदर में सोना गोल्ड रिफ्लेक्शन से इस पूरे रूम को लाइट से जमाकर और हल्का गर्म कर रात में इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, और अब दिखाता हूँ मैजिक। आइए, यहाँ एक विंडो है, इसके ऊपर लकड़ी लगी हुई है। ये ब्रिटिश टाइम का कंस्ट्रक्शन है, तोड़ दिया गया था, बाद में इसको रिपेयर कराया गया था। अच्छा अच्छा, ये देखिए आप, ये यहाँ से बंद है। हाँ हाँ, अंदर से खुला है। अंदर से खुला है? हाँ, जाओ देखिए, ये बाहर से बंद दिख रहा है।
और भैया कुमार जी कह रहे अंदर से खुला है। ओह शिट, ये सिर मतलब सीधा खुला नहीं है, सामने आपको बंद दिखाई देगा, इस तरफ से नीचे की तरफ से ढलान है। क्या ये वेंटिलेशन के लिए है? हाँ जी। अच्छा अच्छा ग्रेट। तो ये एक्चुअल में होता क्या था कि वो दरवाजा ये दरवाजा दोनों पर्दों से बंद कर दिया करते थे। अच्छा जी। तो हवा इस अंदर की दीवार को हिट करके रैम से सीधी रूम में अंदर आया करती थी। अच्छा, अच्छा। सर्दी में उसके ऊपर मैं एक पर्दा टांग कर इसको बंद कर दिया करते थे। और देखिए मट्टी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ हाँ। बाहर की दीवार को मट्टी से इस्तेमाल इसलिए किया कि रूम को ज्यादा देर तक के लिए गर्म रखा जा सके। अच्छा जी। कितनी मिट्टी इसके अंदर मतलब कितनी? 4 इंच पर चढ़ा रखी है। 4 इंच लेयर मोटी। अच्छा, बाहर की दीवार कूलिंग के लिए वैसी है। हाँ। अच्छा जी, अमेजिंग। और ये है दूसरे बादशाह का महल, क्योंकि इस किले को 4 बादशाहों ने 100 साल में बनाकर खड़ा किया। हाँ। तो अकबर जहांगीर के महल तो देख चुके हैं, ये बना हुआ है शाहजहां का, जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। अच्छा, उनकी 3 बीवियां थी, फतेहपुरी, अकबरी और मुमताज महल। तो मुमताज का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। अच्छा जी। 14 बच्चे हुए थे मुमताज से, जब 14वीं डिलीवरी होनी थी तो तब मुमताज की मौत हो गई थी। अच्छा जी। 14 में से 8 बच्चों की मौत हो गई थी, और जो 6 बच्चे बचे थे उसमें से 2 बेटी और 4 बेटे थे। अच्छा, अच्छा। तो उसमें से पहली बेटी का महल ये बनाया हुआ जिसका नाम था रोशन आरा। रोशन आरा जी। अच्छा जी, ये रोशन आरा का महल है जी। अच्छा जी, और इस तरफ से भी पूरा मतलब व्यू पूरी खाई दिखाई देगी आप। ये जंगल वाली है। हाँ जी, इस जहाँ शेर बाघ होते थे। हाँ, और वो बनाया गया है टाइगर, क्रोकोडाइल के लिए, टाइगर के लिए। ये टाइगर के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी रखी जाती है मतलब। हाँ जी, ये पूरा प्रोटेक्शन लेयर है। अच्छा। अब मैं दिखाता हूँ रियल गोल्ड आपको शाहजहां के बेडरूम के अंदर में। अब हम जा रहे हैं शाहजहां के बेडरूम को देखने के लिए। अच्छा जी। जिसको सफेद संगमरमर और गोल्ड से बनाया गया था, ये देखिए आप, ये है शाहजहां का बेडरूम। अच्छा जी, ये बेडरूम उनका। चलो जी, आ जी आ जी। तो ये है शाहजहां का बेडरूम, ये पूरे के पूरे गोल्ड से कवर होते थे, अभी भी थोड़ा बहुत बचा है। गोल्ड लेयर डिस्प्ले लगी हुई है, ये देखिए आप, हुक के पास में देखेंगे ना, हुक के पास में। अच्छा अच्छा जी, ये गोल्ड अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हुक के पास में लगा हुआ गोल्ड है। अच्छा जी। और ये जो हुक लगा हुआ है, ये जब शाहजहां मुमताज का बेडरूम था तो इन हुक्स के अंदर में पर्दे टांगकर गर्मियों के अंदर में उसको हिलाकर हवा की जाती थी इस पूरे एंटायर रूम के अंदर। अच्छा जी। और ये बना हुआ है और गोल्ड, ये देखिए। ये एक्चुअल में एक अंग्रेज ने रिपेयर करवाया था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन 1905 के अंदर में। अच्छा जी, गोल्ड है। हाँ, तो ये पहला पूरा गोल्ड हुआ करता था दीवारों के अंदर में, तो ये पूरा एरिया, एंटायर एरिया छत का गोल्ड से कवर किया गया था। अच्छा जी। और इस रूम को पर्दों से बंद कर इस रूम को लाइट के लिए हल्की सी कैंडल जलाकर बाय द रिफ्लेक्शन विद गोल्ड इस रूम को लाइट से इस्तेमाल में लेते थे। अच्छा, बिल्कुल सुनहरा दिखे सब कुछ। हाँ, 5 दरवाजे बने हुए हैं। अच्छा। 1, 2, 3, 4, 5। ये अपोजिट साइड में सर्वेंट्स के लिए है। अच्छा अच्छा। और ये बीच वाला बादशाह के लिए, और दोनों तरफा ये उनकी बेगमों के लिए बनाया गया है। और इस रूम को सुगंधित करने के लिए इसके जस्ट बगल के अंदर में एक खूबसूरत फाउंटेन बनाया गया है, जो कि 15th century में गोल्ड के हुआ करते थे, लेकिन चेंज कर दिया गया, ब्रिटिशेस यहाँ से निकाल कर ले गए। अच्छा जी। तो ये बना हुआ है फाउंटेन, ये बरामदा हो गया पूरा। हाँ जी हाँ, ये सर्वेंट्स के बैठने के लिए था। अच्छा जी। और ये है वाटर टैंक, मोटर पंप सिस्टम तो होता नहीं था, जिसमें सीढ़ियां लगी हैं। अच्छा जी। तो कन्नौज से इत्र को लाकर यहाँ, जमुना से पानी को लाकर यहाँ पर मट्टी के पाइप से इसको जोड़ा गया है। अच्छा अच्छा। तो वहां से पानी को छोड़ते थे प्रेशर से, यहाँ से वो बाहर निकला करता था। अच्छा। ओवरफ्लो होने के बाद में पानी जब यहाँ पर निकलता था ना, उसकी स्मेल जब हवा में मिलती थी। अच्छा। तो अंदर से बाहर तक पूरा एरिया मुमताज का सुगंधित होता था। अच्छा जी। और ओवरफ्लो के लिए? हाँ जी हाँ, ये जो कांच लगा हुआ, उसके बाद वो गार्डन में, और उसके बाद सीधा इस गार्डन के अंदर में पानी का इस्तेमाल में लेते थे। ये गार्डन है ग्रेप्स गार्डन। अच्छा जी। राजा जहांगीर ने इसको अपने लिए बनवाया था, क्योंकि उसको ड्रिंक करने का शौक था, तो इसी गार्डन से उसके लिए वाइन तैयार की जाती थी। अच्छा जी। और ये देखेंगे ना, सामने कमरे बने हुए हैं, उन्होंने 300 हरम्स की औरतों के लिए बनवाए थे ये कमरे, रखेल औरतों के लिए, क्योंकि इस्लाम में अल्कोहल अलाउड नहीं है, तो ड्रिंक कर अपने महलों में नहीं जाता था, यानी हरम्स के क्वार्टर में अपना समय जो है बिताया किया बिताया करता था। अच्छा जी अच्छा जी, ये उनके लिए पूरे कमरे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
बहुत अच्छा अच्छा ग्रेप्स लगे हैं। हाँ अभी अभी लगे हैं, सरकार ने लगा दिए। अच्छा, और अब जाली लगवा रही है इसके तीनों तरफ की, ये खूबसूरत दिखे। खूबसूरत दिखे बिल्कुल जी, बहुत अच्छे। आइए, और ये है दूसरी बेटी का महल जिसका नाम था जहानारा। जहानारा, अच्छा जी, ये जो दीवारें बनी हुई इनका पार्टीशन है ये उसी समय का है। जी जी, तो ये कौन सा पत्थर है ये? ये मकराना है सर, मकराना मंगवा रखा है। हाँ, ये मार्बल मकराना है, ये वही मार्बल है जो ताजमहल में लगा है। अच्छा, लेकिन ताजमहल से भी पहले मार्बल को यहाँ यूज किया गया था, क्योंकि ये उनका अपना महल थे, रहने की जगह थी, एक रेजिडेंस था। अच्छा जी, और फिर जब उनकी मौत हुई तो ताजमहल में ले जाकर मार्बल को लगवा दिया गया उनकी कब्र के अंदर। अच्छा अच्छा जी, ग्रेट। अच्छा, वो पानी का टैंक ऊपर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जा सकते हैं अभी? नहीं सर। अच्छा जी, ये देखो जी सर, यहाँ से देखो आप ताजमहल कितना बड़ा दिखाई देगा आपको। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। जब आप जहानारा के महल के सामने दीवार है वहां से ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल आपको बड़ा दिखेगा, और जैसे ही पैदल जाते हुए जहानारा के महल में एंटर करेंगे तो ताजमहल आपको छोटा दिखाई देगा। अच्छा जी जी, चलो चलते हैं, जहानारा के महल में घुसेंगे तो ताजमहल छोटा दिखाई देगा। आप कैमरा से मैं ना तो जूम इन किया है ना जूम आउट कर रहा हूँ, वहाँ से बड़ा दिख रहा है, नज़दीक से इसको छोटा दिखेगा। वाओ, इट्स मैजिक, छोटा दिख रहा है वहाँ बिल्कुल से, छोटा और बड़ा बिल्कुल। रीज़न बता दूँ या आप बता दें? बताओ, कारण बताओ। तो रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि वहाँ से जब हम ताज देखते हैं तो गार्डन नहीं दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, और अंदर से देखने पर गार्डन दिखाई देता है, इसके लिए उसकी जो रेंज है, दूरी है, उससे वो बढ़ जाती है। अच्छा, सिर्फ ये एक तरीके का इल्यूजन से, कोई मैजिक नहीं है। और इसी के बगल में एक महल बना हुआ जिसका नाम है जैस्मिन टावर या मुसम्मन बुर्ज। अच्छा जी, इंग्लिश में मुथम्मन बुर्ज का नाम दिया गया है इसको, और ये सबसे खूबसूरत पार्ट नूर जहान का हुआ करता था। अच्छा, नूर जब जहांगीर ड्रिंक करके पड़ा रहता था तो नूर जहां ही राज्य को संभाला करती थी, और उसने अपने इस महल को बनाने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया था। अच्छा, इसके अंदर में इनले वर्क का इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर में जो कलर्स देख रहे हैं सारे के सारे स्टोन्स हैं, जिसमें कि कुछ सेमी प्रेसेस स्टोन्स भी हैं। इसको इनले वर्क बोलते हैं? जी हाँ, पत्थर को काट कर पत्थर को फिट कर देना, उसको इनले वर्क कहते हैं। जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो यही आइडिया उसने अपनी बीवी की कब्रगाह में इस्तेमाल में लिया, जिसको हम बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, ताजमहल के नाम से। नूर जहां के मरने के बाद में ये हो गया शाहजहां की जेल। शाहजहां के चार बेटे थे जिनका नाम था दारा, शिखो, मुराद, सुजात, औरंगजेब। अच्छा जी, तो औरंगजेब चाहते था मैं बादशाह बनूं, लेकिन शाहजहां बादशाह चाहते थे कि बेटा सबसे बड़ा मेरा राजा बने। अच्छा, तो औरंगजेब ने अपने ही घर में रिवॉल्ट करने के बाद अपने तीन भाइयों को अरेस्ट कर मारने के बाद में उसने अपने पिता को यहाँ नजर बंद कर दिया था 8 साल। अच्छा, यहाँ किया था बंद, और यही लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। अच्छा जी, कहां जिसको ब्रिटिशेस यहां से निकाल कर ले गए थे लंदन। कहां पे लगा हुआ था, कोई जगह पता? बीच के अंदर में, ये बीच वाला जो रूम है ना, राउंड वाला। अच्छा जी, यहां लगा हुआ था, और इसी महल में से देखकर शाहजहां ताजमहल को निहारा करते थे, यानी कि रिफ्लेक्शन से देखा करते थे। अच्छा अच्छा, और ये नूरजहां के द्वारा बनाया हुआ फुआरा है जिसको सिंगल पीस से काट कर बनाया गया है। अच्छा जी, करीबन 2 से 2.5 फीट नीचे पत्थर जमीन में है, और ये भी वही ग्रेविटी टेक्निक से चलता है। अच्छा अच्छा, वही पानी, और ये जो जिगजैग बनाया गया है ये विजिबिलिटी के लिए, चेक करने के लिए कि टैंक में पानी है या नहीं, वो जिगजैग वहां बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी, तो अच्छा, उसमें स्लो हो जाएगा पानी, तो यानी कि पानी नहीं है। अच्छा सर, नजदीक पानी भरो जरा, ऊपर टैंक है सेम इसके ऊपर, और वहां से पानी आता था पूरे महल को मतलब कूल करने के लिए। जबरदस्त टेक्निक है जो हमने सेम आगरा जो रेड फोर्ट के अंदर देखे थे। अच्छा जी, यहाँ से आता था पानी? ये देखिए आप, ये होल बना हुआ है, इस होल को टैंक से कनेक्ट किया गया है। अच्छा, और ये जो जिगजैग है ये सारे के सारे सेमी प्रेस स्टोन्स हैं। अच्छा जी, पानी जब इस पर चलेगा तो ये मूव करेगा, ये हिलेगा डिजाइन। अच्छा, पानी यहाँ लाकर उस होल से सामने जो फिर फुहारे से बाहर निकाला करते। अच्छा जी, अमेजिंग टेक्निक, ये होल अगे से जाता है। हाँ जी हाँ जी, फिर यहाँ लाइन से पानी सीधा बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत। और अब दिखाऊंगा मैं आपको दीवाने खास ऑन द वे, दिखाऊंगा मैं आपको सीक्रेट पैसेज जी जी, जो कि बादशाहों की फैमिली इस्तेमाल किया करती थी।
ये तीन तरफ जाता है, एक तो ये खुफिया रास्ता मीना बाजार के लिए जाता है। अच्छा जी, यहीं से वहीं से सीक्रेट डोर बाहर निकलता है। अच्छा, दीवाने आम के सामने। अच्छा, और दूसरा नंबर ये निकला है ताजमहल के लिए। तो शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया गया औरंगजेब के द्वारा, जब उसकी मौत हो गई थी तो उसकी सबसे फेवरेट बेटी थी जहानारा, जो आगे वाले महल में रहती थी, उसने अपने पापा अपने फादर की बॉडी को ले जाकर यहाँ से ताजमहल में दफनाया था अपनी माँ के बगल के अंदर में। अच्छा जी जी, ये खुफिया मतलब गुफा कहेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब ये सीक्रेट रास्ते जरूर होते हैं यहाँ भी इस तरह। हाँ जी हाँ जी, राजा होते हैं। बहुत अच्छा, और यहाँ पर बना हुआ है सीस महल। अच्छा जी, खास महल जी हाँ, ये रानी मुमताज का बाथरूम है जिसको 30 लाख से भी ज्यादा कांच के टुकड़ों से डेकोरेट किया गया था। अच्छा जी, कि जब मुमताज यहाँ ना आए तो उसके फेस का रिफ्लेक्शन चारों तरफ दिखाई दे। अच्छा, लेकिन लोग यहाँ नाम लिखते हैं, कांच को तोड़ते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। अच्छा, अंदर कांच है। अंदर से तो अजीब चीज है कुछ, अगर दिख रहा हो तो एज वी कैन सी इनसाइड दिस, ये देखिए गजब। अच्छा जी, बहुत अच्छे, ऊपर दीवारों पे पूरे बड़े बड़े पत्थर लगे हैं। और ये है एक मस्जिद जिसका नाम है मीना मस्जिद, इसको शाहजहां ने शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाया था। अच्छा जी, जब शाहजहां को नजर बंद कर दिया गया था तो यहाँ लाया जाता था उनको नमाज पढ़ने के लिए, जिनके लिए रॉयल मस्जिद बंद कर दी गई थी। अच्छा जी,